भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने 18 जुलाई को दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक बुलाई है। इसमें कुछ नई पार्टियों के शामिल होने की चर्चा है। भाजपा का फोकस महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के उन नेताओं और पार्टियों पर है जो पिछले कुछ साल में एनडीए का साथ छोड़कर चले गए थे। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना को एनडीए में जगह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव पार्टी, समाज पार्टी को भी एनडीए में लाने की चर्चा है। बिहार के जीतन राम मांझी की एचएएम, चिराग पासवान की एलजेपी, मुकेश सहनी की वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। पंजाब से अकाली दल और आंध्र प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू न्यायडू की तेलुगु दशम पार्टी टीडीपी के भी इसमें आने की संभावना है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 15 दल शामिल हुए थे। उद्देश्य था सभी दलों को एक साथ लाना। ये दल एक बार फिर 17 या 18 जुलाई को बेंगलुरु में जुटेंगे। 3 जुलाई को भाजपा ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बदले थे। कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को पंजाब, आंध्र प्रदेश में ही पुरंदेश्वरी तेलंगाना जी, किशन रेड्डी और झारखंड में बाबूलाल मरांडी को पार्टी की कमान सौंपी गई थी। इसके अलावा पार्टी हाईकमान ने एटाला राजेंद्र को तेलंगाना में भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया था। किरण इसी साल अप्रैल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।